हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सिंपल स्निप कोड। तो जैसा कि इसका हमने इसके पिछले वाले वीडियो में देखा था, हमने कॉन्फ़िगर OSPF किया था, बट इसमें हमने दो राउटर, दो स्विचेस एंड फोर पीसीस को लेके किए थे। ओके, तो अभी तक आपने वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग इन सिस्को पैकेट ट्रांसफर। और आप मैं ऊपर आई बटन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो के आपने थंबनेल में देख लिया है कि हम कॉन्फ़िगर करने वाले OSPF को, बट इसमें हम थ्री राउटर्स, थ्री स्विचेस एंड थ्री पीसीस लेके कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मुझे थ्री राउटर्स लेने हैं, तो मैं 1848 का थ्री राउटर ले रहा हूँ। तो मैंने तीन राउटर्स ले लिए, फिर मुझे तीन स्विचेस लेना है, तो मैं 2950 का तीन स्विचेस ले रहा हूँ। फिर मुझे थ्री पीसीस लेने हैं। ओके, तो मैंने थ्री पीसीस ले लिए, तो मैंने तीन पीसेस ले लिए। फिर अभी मुझे कनेक्शन करना है। ओके, तो कभी भी आप कनेक्शन कर रहे हो तो कनेक्शन कभी भी आपका लोअर से अपर में जाना चाहिए। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अभी वायर, अभी यहाँ पे भी मैं वायर यूज़ कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली चूज़ कनेक्शन टाइप वाला वायर यूज़ कर रहा हूँ। फिर मैं जितने पहले पीसीस थे सब पीसीस से मैं स्विचेस कनेक्ट कर दे रहा हूँ। फिर मैं स्विचेस से राउटर कनेक्ट करूँगा। फिर मैं राउटर 0 से राउटर 1 को, फिर राउटर 1 से राउटर 2 को कनेक्ट कर दूंगा। ओके, तो ये मुझे एरर दे रहा है, द केबल कैन नॉट कनेक्टेड टू दिस पोर्ट। ओके, तो ये मेरा एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि जो मेरा कनेक्शन है, क्योंकि राउटर्स है, राउटर्स में केवल दो ही वायर हम ऐड कर सकते हैं। ओके, बट इसमें हमें तीन वायर ऐड करना है, तो हमें क्या करना है, राउटर वन में मैं क्या करता हूँ, एक एक्स्ट्रा पोर्ट लगा देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले WIC इसको पहले ऑफ़ करता हूँ, फिर WIC 1T यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ से मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसे ऑन कर दूँगा। ओके, फिर इसके बाद हम कनेक्शन करते हैं। तो मैं राउटर 0 से राउटर 1 को कनेक्ट कर रहा हूँ, फिर मैं राउटर 1 से मैं राउटर 2 को कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके, फिर से ये लगा मुझे, द केबल कैन नॉट कनेक्टेड टू दिस पोर्ट। ओके, तो अभी हमें करना क्या है कि जो हमारा पोर्ट्स है, हमें राउटर 0 में भी एक एक्स्ट्रा पोर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो मैं इसको ऑफ़ किया, WIC 1T सेलेक्ट कर दिया, यहाँ से इसको ऑन कर दिया, फिर राउटर 1 में आता हूँ, फिर मुझे इसे ऑफ़ करना है, WIC 1T यहाँ से सेलेक्ट करना है मुझे। और मैंने इसको ये, मुझे यहाँ पे दो स्लॉट्स ही हैं, तो मैंने दोनों स्लॉट्स में डाल दिए और यहाँ से इसको मैंने ऑन कर दिया। और राउटर 2 में जाता हूँ मैं, फिर यहाँ पे ये ऑन है, इसको ऑफ़ करता हूँ, WIC 1T सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ और इसे मैंने ऑन कर दिया। ओके, फिर अभी हम कनेक्शन करते हैं। तो काम करता हूँ, सबसे पहले जो भी कनेक्शन है सबको मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से, जितने भी कनेक्शन राउटर से हुए हैं सबको पहले मैं रिमूव करता हूँ। तो पहले मैं ये तीनों वायर को रिमूव कर देता हूँ, इसके बाद फिर से कनेक्शन करेंगे हम। फिर से हम कनेक्शन कर रहे हैं स्विच से राउटर में। मैंने स्विचेस से राउटर्स में से मैं कनेक्शन कर दिया। अभी मैं राउटर 0 से राउटर 1 को कनेक्ट करता हूँ, फिर राउटर 1 से राउटर 2 को कनेक्ट करूँगा। ओके, तो अभी हमारे कनेक्शन हो गया। तो अभी मैं कहता हूँ सबका IP डिफाइन कर देता हूँ। तो PCs और राउटर्स का मैं IP डिफाइन कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको ये सेलेक्ट करता हूँ, तो मैं दे देता हूँ 192.168.1.2 से स्टार्ट करूँगा मैं। फिर इसको मैं देता हूँ 192.168.1.3। फिर मैं PC 1 पे आ गया, तो 192.168.2.2 इसका देता हूँ 192.168.2.3। फिर मैं PC 2 पे जाता हूँ, PC 2 का IP देता हूँ 192.168.3.2 इसका देता हूँ 192.168.3.3 और इसका IP देता हूँ मैं 192.168.4.2 और इसका 192.168.4.3 इसका देता हूँ 192.168.5.2 और इसका IP 192.168.5.3। ओके, तो मैंने अभी सबका IP डिफाइन कर दिया। अभी हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन की तरफ बढ़ते हैं।
अभी सबसे पहले जितने पीसी है सबका पीसी सा कॉन्फ़िगरेशन आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। तो मेरा पीसी 0 है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.1.2 है। और टैप मार के उसका डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या हो जाएगा, 192.168.1.3 है। इसमें से क्लोज़ करता हूँ, फिर मैं जाना है PC1 में, PC1 के डेस्कटॉप में आईपी कॉन्फ़िगरेशन, फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसका आईपी डालता हूँ, तो 192.168.2.2, और इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे हो जाएगा लास्ट में 2.3। तो मैं इसे क्लोज़ करता हूँ, फिर मैं आ गया PC2 में, PC2 के डेस्कटॉप में आईपी कॉन्फ़िगरेशन, फिर मैं इसका आईपी डालता हूँ 192.168.3.2, और इसका आईपी हो जाएगा 192.168.3.3। ओके, तो मैं इसे क्लोज़ करता हूँ। फिर अभी मुझे डालना है, अभी मुझे राउटर से आईपी कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो मैं यहाँ पे माउस होवर करके करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा कनेक्शन है ये फास्ट इथरनेट 0.0 का है, और मैं यहाँ पे माउस होवर कर रहा हूँ तो ये मेरा हो गया सीरियल 0.0.0 का हो जाएगा। ओके, तो अभी डाल लेते हैं सीरियल 0 का और फास्ट इथरनेट का। तो मेरा फास्ट इथरनेट 0.0 का आईपी क्या है, 192.168.1.3 है। तो मैं इसे टैप मार के इसे मैं ऑन कर देता हूँ, और मेरा सीरियल 0.0 का आईपी मेरा क्या हो जाएगा, 192.168.4.2 हो जाएगा। मैं इसे टैप मार के मैंने इसे ऐसे ऑन कर दिया। ओके, फिर अभी मुझे जाना है, मुझे चेक करता हूँ राउटर, बीच वाले राउटर में यानी राउटर 1 में। तो आप जैसे ये जो मेरा आईपी है फास्ट इथरनेट 0.0 का है, फिर यहाँ पे ये जो आईपी है सीरियल 0.0 का है, तो ये वाला आईपी होगा सीरियल 0.1.0। ओके, तो सबका आईपी डाल देते हैं। तो मैं कॉन्फ़िग में जाता हूँ फास्ट इथरनेट 0.0 में, तो फास्ट इथरनेट 0.0 का आईपी क्या है, 192.168.2.3। मैंने इसे ऑन कर दिया, फिर सीरियल 0.0.0 का, तो 192.168.4.3, फिर मैं इसे ऑन कर दिया मैंने, फिर सीरियल 0.1.0 का आईपी हो जाएगा 192.168.5.2 हो जाएगा। फिर से मैंने इसको ऑन कर दिया। ओके, फिर क्लोज़ करता हूँ मैं। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी माउस होवर किया है, तो ये जो मेरा आईपी है ये मेरा आईपी है सीरियल 0.1.0 का, और जो मेरा आईपी है सीरियल 0.0 का है। ओके, तो अभी तो कॉन्फ़िग में डालता हूँ, जाता हूँ सीरियल 0.0 में, और यहाँ पे मैं डालता हूँ सीरियल 0.0 का आईपी 192.168.5.3। से टैप मार के मैंने ऑन कर दिया, फिर मैं जाता हूँ फास्ट इथरनेट 0.0 में। तो मेरा फास्ट इथरनेट 0.0 का आईपी हो जाएगा PC2 का डिफॉल्ट गेटवे, तो 192.168.3.3 हो जाएगा। तो मैं इसे टैप मार के मैंने इसे ऑन कर दिया। ओके, तो अभी हमारा आईपी कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो आपको जानना है कि आपका आईपी कॉन्फ़िगरेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप पहला स्टेप है, जितने भी रेड लाइट्स है सब ग्रीन लाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और सेकंड आप क्या कर सकते हैं, जितने भी पीसीस हैं जो राउटर से कनेक्ट है उसको आप मैसेज भेज के दे सकते हो। अगर मैसेज सक्सेसफुल होता है मीन्स आपका आईपी कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर है। ओके, तो मैंने मैसेज भेज के देखा, तो मेरा फर्स्ट और सेकंड का तो सक्सेसफुल आया, पर थर्ड का फेल्ड आया। तो अभी आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे अभी तक ऑरेंज ऑरेंज सिग्नल था, तो नहीं हुआ था, अभी ग्रीन आ गया, इसका मतलब अभी कनेक्शन हो गया, तो अभी सक्सेसफुल आया। ओके, तो सक्सेसफुल आ गया मेरा। तो अभी हम करते हैं कॉन्फ़िगर करते हुए OSPF को। तो आप देख सकते हैं कि इसमें तब तीन राउटर्स हैं, मतलब इसमें मल्टीपल एरिया लगेगा। ओके, दो 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 राउटर होता तो उसमें एक ही एरिया रखता है, तो इसमें हमारा तीन एरिया होगा। ओके, तो मैं फिल करता हूँ कलर को, कोई एक कलर ले लेता हूँ पहले मैं। ओके, तो आप देख सकते कि ये जो मेरा कनेक्शन है ना, ये जो मेरा कनेक्शन है ये हो गया मेरा एरिया, ये एक मेरा अलग एरिया हो जाएगा, और ये मेरा अलग एरिया हो जाएगा, और ये जो ये मेरा थर्ड वाला एरिया अलग हो जाएगा। ओके, समझे? तो ये मेरा यहाँ पे मुझे तीन एरिया मिल गया। ओके, तो मुझे यहाँ पे तीन एरिया है। तो अभी मैं सबका एरिया का नाम देता हूँ, तो मैं इसको देता हूँ Area 1, और इसको देता हूँ मैं, और मैं इसको देता हूँ Area 0 दे देता हूँ, और इसको मैं देता हूँ Area 2। ओके, तो अभी मैंने सबका एरिया दे दिया है, ये Area 1 है, ये Area 0 और ये Area 2। ओके,
तो अभी ये वाला एरिया रंग कलर नहीं हुआ, तो एक काम करता हूँ मैं, सो कलर कलर हो गया। ओके तो ये एरिया जीरो है, ये जो पार्ट है राउटर वन वाला ये एरिया जीरो में आता है, और राउटर जीरो से लेकर राउटर वन तक जो आता है एरिया वन में आता है, और जो राउटर वन से राउटर टू तक जाता है वो एरिया टू में आता है। ओके तो सबसे पहले मैं जाता हूँ, सबसे पहले मैं राउटर जीरो पर क्लिक करता हूँ। राउटर जीरो पर मैंने क्लिक किया, फिर मैं जाता हूँ CLI में, फिर मैं एंटर किया, फिर मैंने यहाँ पर एग्ज़िट लिख रहा हूँ, फिर अगेन एग्ज़िट लिखना है मुझे, फिर अगेन एग्ज़िट लिखना है। ओके जब तक आपको प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड ना मिले तब तक आप एग्ज़िट लिखो, फिर एंटर लिखो, फिर मुझे अनेबल करना है, तो मैंने अनेबल कर लिया। ओके तो मुझे मैंने अनेबल की स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिया, ENBALE लिख दिया, तो अभी ये कुछ अलग ही मतलब समझ लिया उसका। तो अभी ये क्या बोला, ट्रांसलेटिंग अनेबल ए डोमेन सर्वर, तो ये मेरा एंटर होने में कुछ काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल हम कोई भी एक नेटवर्क पे जाते हैं, और नेटवर्क पे जाने के बाद मैं इसका पहले इसको ऑफ़ करता हूँ मैं। ओके तो पहले मैंने इसको ऑफ़ कर दिया, तो मेरा फिर से मैं इसको डाल दूँगा, तो मेरा फास्ट इथरनेट 0.0 का IP क्या था, 192.168.1.3 था। फिर मैंने टैप किया ऐसे, और इसे ऑन करके ऑफ़ कर दिया। ओके ऑफ ऑन कर दिया, फिर इसे मैं क्लोज करता हूँ, फिर से मैं जाता हूँ राउटर जीरो पे और उसके CLI पे, और यहाँ पे एंटर करता हूँ मैं। तो ये हो नहीं रहा है, इसको थोड़े टाइम बाद देखते हैं, अभी तब तक हम राउटर टू का कर लेते हैं। तो राउटर टू में मुझे CLI में जाना है, यहाँ पे जाना है, मुझे एंटर करना है, मुझे एग्ज़िट लिखना है, अगेन एग्ज़िट लिखना है, फिर मुझे एग्ज़िट करके फिर से एग्ज़िट लिखना है, फिर जब तक आपको ये ना मिले प्रेस इट टू गेट स्टार्टेड तब तक आप एग्ज़िट लिखें, फिर मुझे एंटर करना है, फिर मुझे इसको अनेबल करना है, तो मैं लिख लेता हूँ अनेबल, फिर मुझे कॉन्फिगर करना है टर्मिनल को, तो मैं लिख लेता हूँ कॉन्फिगर टर्मिनल। ओके तो मेरा कॉन्फिगर होगा टर्मिनल, फिर मुझे कॉन्फिगर करना है OSPF को, तो मैं लिखता हूँ राउटर OSPF1। ओके तो मेरा राउटर OSPF1 लिख दिया, फिर अब मुझे देखना है जो मेरा राउटर 2 है किस किस नेटवर्क से कनेक्ट है। ओके तो जो मेरा राउटर 2 है वो मेरा PC2 से कनेक्ट है, तो मुझे लिखना है नेटवर्क, फिर मेरा PC2 का IP नेटवर्क एड्रेस क्या हो जाएगा, 192.168.3.0, इसका वाइल्ड कार्ड मास हो जाएगा 0.0.255, और ये कौन से एरिया में बिलोंग करता है, एरिया 2 से, तो मैं एरिया 2 लिख दिया। फिर मैं ऊपर एरो वाला बटन क्लिक करता हूँ, फिर मेरा जो राउटर 2 है किस तरह है, राउटर 1 से। ओके तो राउटर 0 से राउटर 1 से राउटर 2 के बीच का जो नेटवर्क एड्रेस क्या हो जाएगा, 192.168.5.2 है, तो इसका नेटवर्क हो जाएगा 192.168.5.0 हो जाएगा। फिर वाइल्ड कार्ड मास सेम एरिया 2 में ही है, तो मैं इसको एंटर कर देता हूँ, फिर मैं यहाँ से एग्जिट हो जाता हूँ। ओके फिर मैं जाता हूँ राउटर 0 में, फिर मैं यहाँ पे एग्ज़िट लिखता हूँ, फिर मुझे मिल गया प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड, फिर मैं यहाँ पे इसको अनेबल करता हूँ, फिर मुझे करना है कॉन्फिगर टर्मिनल, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कॉन्फिगर टर्मिनल। ओके तो मेरा कॉन्फिगर होगा टर्मिनल, फिर मुझे लिखना है राउटर OSPF1। ओके तो अभी मैं राउटर 0 में हूँ, तो मेरा राउटर 0 किस किस नेटवर्क से कनेक्ट है, PC0 से कनेक्ट है और राउटर 1 से कनेक्ट है। ओके तो PC0 का नेटवर्क एड्रेस क्या हो जाएगा, 192.168.1.0 हो जाएगा, तो मैं लिख लेता हूँ नेटवर्क 192.168.1.0, और इसका नेटवर्क मास हो जाएगा 0.0.0.255, और ये एरिया 1 से बिलोंग करते हैं, तो मैं एरिया 1 लिख दिया। फिर मुझे लिखना है नेटवर्क, फिर मुझे जो मेरा राउटर 0 किस नेटवर्क से कनेक्ट है, राउटर 1 से कनेक्ट है, यानी मेरा राउटर 0 से राउटर 1 का नेटवर्क एड्रेस क्या है, 192.168.4.0 है, फिर उसका वाइल्ड कार्ड मास सेम हो जाएगा 255 है, फिर ये भी एरिया 1 से बिलोंग करता है, तो मैं इसको लिख के फिर यहाँ से मैं एग्जिट हो जाता हूँ। ओके फिर मेरा मिडल वाला राउटर में आता हूँ, राउटर 1 में आता हूँ मैं, फिर राउटर 1 में फिर मैं CLI में जाता हूँ, फिर इसको मैं एग्ज़िट लिखता हूँ, फिर अगेन एग्ज़िट, फिर अगेन एग्ज़िट। ओके फिर मुझे मिल गया प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड ये वाला यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे अभी इसको अनेबल करता हूँ पहले, तो मैं लिखता हूँ अनेबल, मुझे लिखना है कॉन्फिगर टर्मिनल, तो मैं लिखता हूँ कॉन्फिगर टर्मिनल, तो मैं कॉन्फिगर होगा टर्मिनल, फिर मैं लिखता हूँ राउटर OSPF 1 2 हो चुका है मेरा, तो मैं यहाँ पे 3 लिख लेता हूँ, राउटर OSPF 3 लिख लिया। ओके फिर इसके बाद अभी हम क्या करते हैं,
राउटर OSPF हो गया। फिर अभी हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि जो हमारा राउटर वन है किस नेटवर्क से कनेक्ट है। तो पहले मेरा जो राउटर वन है PC वन से कनेक्ट है। ओके, तो मैं इसका पहले लिख लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ नेटवर्क, तो उसका नेटवर्क एड्रेस क्या हो जाएगा, 192.168.2.0 हो जाएगा। और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क सेम रहेगा, 0.0.0.255, और ये एरिया 0 से बिलोंग करता है। ओके, फिर मुझे जाना है नेटवर्क में, फिर मिलता हूँ नेटवर्क। फिर मेरा जो राउटर वन है राउटर 0 से कनेक्ट है, तो मुझे लिखना है 192.168.4.0, और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क सेम हो जाएगा 255, और ये भी कौन से एरिया से बिलोंग करता है, यानी ये मेरा एरिया वन से बिलोंग करता है। तो मैं एरिया वन लिखता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ नेटवर्क 192.168.5.0 लिख देता हूँ मैं, यानी मेरा राउटर टू का IP एड्रेस। तो मैं लिखता हूँ नेटवर्क 192.5.0, जिसका नेटवर्क एड्रेस समझ आएगा 0.0.0.255, और ये एरिया टू से बिलोंग करते हैं। ओके, फिर मेरा यहाँ तक हो गया। फिर मैं एग्जिट हो जाता है इधर से, क्लोज करता है उसको यहाँ से मैं। फिर मैं मैसेज भेज के देखता हूँ, PC 0 से PC 1 को मैसेज भेजा, इन प्रोग्रेस फेल्ड हो गया। तो आप थोड़ा रुक जाओ, कॉन्फिगर होना थोड़ा टाइम लगता है, फिर उसके बाद आप मैसेज भेजो। तो अभी थोड़ा हो गया टाइम, इसके बाद हम मैसेज भेजते हैं। फिर से मैसेज भेज रहा हूँ PC 0 से PC 1 को, तो ये मुझे सक्सेसफुल दिख रहा है। फिर मैं मैसेज में PC 0 से PC 2 को भेज रहा हूँ, यानी सक्सेसफुल, यानी हमारा कॉन्फिगर हो गया OSPF। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम सेम करने वाले कॉन्फिगर OSPF, बट इसमें हम 3 राउटर लेंगे और 3 स्विचेस लेंगे और 6 PCs को लेके हम कॉन्फिगर करेंगे। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।